जबलपुर में सोशल मीडिया पर दलित युवक की पिटाई का मामला सामने आया है, जिसमें डॉक्टर राधाकृष्णन वार्ड की भाजपा पार्षद माधुरी सोनकर के पति राजेश सोनकर बाबू अपने साथियों के साथ एक गरीब दलित युवक अमन चौधरी की पिटाई करते दिख रहा है। उक्त युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि वह निर्माणधीन सड़क पर उसका भूलवश पांव पड़ गया था, जिससे गुस्साए भाजपा के नेता ने अपने साथियों के साथ उस युवक की निर्मम पिटाई कर दी। मामले को देखते हुए पुलिस ने मामूली धाराएं लगाकर आरोपियों को छोड़ दिया। कांग्रेस ने इस घटना पर आपत्ति जताते हुए पीड़ित के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाली सक्सेना को ज्ञापन सौंपा। इस मामले पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने बताया कि भाजपा के नेता कानून के ऊपर हो गए हैं, उन पर शासन प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया है। अभी कुछ दिन पहले घमापुर थाने में भाजपा के बड़े नेता ने सीएसपी को थाने के अंदर घुस के मारने की धमकी दी थी और उसकी एक दो दिन बाद ही छोटी सी बात पर भाजपा नेता के द्वारा एक दलित युवक की पिटाई, यह दर्शाती है कि भाजपा के शासन में जंगल राज आ गया है और पुलिस मुखदर्शक बनी देख रही है। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि अगर दो दिन के अंदर पुलिस ने युवक को न्याय नहीं दिलाया और अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। इधर पुलिस का कहना है कि इस मामले में विवेचना जारी है। देखिए, कल समूचे जबलपुर ने देखा कि किस तरीके से एक पार्षद पति क्षेत्र में अपनी दबंगियत स्थापित करने के लिए एक गरीब मजदूर को मारता है और सिर्फ इस बात के लिए मारता है कि वहाँ पर कुछ निर्माण का सामग्री रखी थी, उसमें इस गरीब का पैर पड़ जाता है। वहाँ उसके साथ मारपीट होती है। जब वे अमन चौधरी अपने घर जाता है, 20 साल का बच्चा जब वो अपने घर जाता है तो पार्षद पति बाबू सोनकर और उसके साथी उसको घर से निकाल के मारते हैं। पूरे क्षेत्र में एक आतंकी स्थिति बनाते हैं, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं और आज उसकी स्थिति देखिए, ये उसके हाथ में फ्रैक्चर है, इसकी पीठ में गहरे गहरे घाव हैं। उसके बाद जब हम लोगों ने दबाव बनाया तो पुलिस ने महज 2-3 मामूली धाराएं लगा के आरोपी को छोड़ दिया। वह आरोपी 10 मिनट भी थाने में नहीं बैठा। ऐसी घटना अगर कोई और के द्वारा की जाती तो वह आरोपी आज जेल में होता। राजनीतिक दबाव के चलते इस गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। 20 साल का बच्चा, आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति उसको इतनी निर्मम तरीके से मार सकता है। आज हम लोगों ने यहाँ पर SP के नाम एडिशनल कलेक्टर महोदया को ज्ञापन दिया है, पीड़ित को उनके सामने पेश करा है, उनके इसके बयान कराए हैं और साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी ने चेतावनी दी है कि 2 दिन के अंदर पुनः विवेचना करके अगर गंभीर धाराएं लगा के आरोपी को जेल नहीं भेजा जाता है तो समूची कांग्रेस पार्टी कानून व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। फिर चाहे हमें SP कार्यालय का घेराव करना पड़े, फिर चाहे हमें थाने का घेराव करना पड़े, मगर इस पीड़ित की लड़ाई को हम अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। यहाँ आज हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से SP महोदय तक ये हम लोगों ने अपना संदेश पहुँचाया है। वो फ्री में मारे, हम पंखा लेके गए थे अपने घर से, पड़ोस मसाला में पैर पड़ गया था, बहुत मारे सर, पहले उतरी मारे, फिर घर से निकाल के घसीट घसीट के मारे।
को न्याय चाहिए सर। आपका नाम? अमन चौधरी। मैडम कांग्रेस के अंदर थाना हनुमानताल क्षेत्र की घटना है, जहाँ पे एक कुछ मारपीट की घटना की गई थी, जिसके द्वारा जिसको उसमें करते हुए लोगों ने थाना हनुमानताल ने अपराध की कायमी की गई थी और उसमें अभी विवेचना की जा रही है। तो उसी के रेफरेंस में आज कुछ लोग थाने आए थे, उनको उस केस को लेके कुछ कंसर्न्स थे जिसको उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो उनको ये आश्वासन दिया है कि जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी तो उसमें की जाएगी।